बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड ग्लासेस पर। गॉड ग्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों आज की जो क्लास है क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर कोर मैथमेटिक्स भी आपके पास है तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो दोनों के अंदर कॉमन चैप्टर है। कंसेप्ट सारा सेम है, क्वेश्चन करने के तरीके सेम है, तो आपके पास कोर मैथ्स है अप्लाइड मैथ्स है डजेंट मैटर, वीडियो आप दोनों के लिए ही है। और साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है और अगर आप ये परेशान है कि हम कौन से बुक से प्रिपरेशन करें ताकि बोर्ड में आपके जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल भी ना कटे, अच्छे से अच्छे आप प्रिपरेशन करके जाएं, ऐसी बुक की आप तलाश कर रहे हैं तो गॉड क्लासेस का जो क्वेश्चन बैंक है उसको आप परचेज कर सकते हैं। उस क्वेश्चन बैंक के आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, PYQs आपको मिल जाएंगे उसके अंदर आपको, और जो एसेसन रीजन होते हैं, MCQs होते हैं, केस स्टडीज हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, मतलब जितने भी वेरायटी के क्वेश्चन होते हैं और जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जितने फार्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन है, अलग अलग फार्मूला जैसे EMI के 3 फार्मूले, तीनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिलेंगे। तो इस तरह से आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा और अपने एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब वो परचेज आपको कहाँ पर करना है, उसके लिए आपको गॉड क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लेनी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप वेब के थ्रू भी जा सकते हैं www.godglasses.in, वहाँ पर भी आप लॉग इन करके जो कोर्स सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 कोर्सेज दिखाई देंगे, एक सॉफ्ट कॉपी के लिए और एक हार्ड कॉपी के लिए। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो परचेज कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी एज कम्पेयर टू हार्ड कॉपी थोड़ा चीपर है और बाकी आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस बुक को करने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में कुछ नया आ जाए, लगभग हर तरह का क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज जो क्लास हम कर रहे हैं इसके अंदर एक्सरसाइज हम करने वाले हैं 8.4। अगर कंसेप्ट वाइज बात करें तो हमें इसमें क्या सीखना है, हमें डिफरेंशिएशन हमें आता ही है, इंटीग्रेशन वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मतलब नया ऐसा कुछ ज़्यादा बहुत कुछ सीखना नहीं है। बस हमें एक चीज़ सीखनी है, यहाँ पर जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 2 मेथड आपको दे रखे हैं, एक वेरिएबल सेपरेबल है और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है कि आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, एक्स वालों को एक्स की तरफ लेके जाना है, dx के साथ ले जाना है, वाई वालों को dy के साथ भेज देना है। जब ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा या पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। अभी तक जो एक्सरसाइज हमने करी है, हमने जो 8.2 8.3 करी है उसके अंदर हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती थी, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते हैं तो डेरिवेटिव करते हैं, एक बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, वो डिपेंड करता है कि कितने आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है। लास्ट वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, और जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी होती है, हमें जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम उसके अंदर इंटीग्रेशन करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये कन्फ्यूज मत होना कि डिफरेंशिएशन कहाँ होगा, इंटीग्रेशन कहाँ होगा। इक्वेशन दी हुई है तो आपको इंटीग्रेट करना है, इक्वेशन बनानी है तो आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो अब यहाँ पर ये आपके पास इक्वेशन है और यहाँ पर देखो जो x वाली टर्म है ना उसको आपको dx के साथ करना है, और जो dx है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इस dx को इधर लेके चले जाते हैं और इस y की पावर 5 को नीचे ले आते हैं। या पहले मैं एक स्टेप में एक चीज़ करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ऐसे गए हम। अब जो dx है इसके साथ आपको x वाली टर्म लेके जानी है और जो dy है उसके साथ y वाली टर्म लानी है। तो y की पावर 5 यहाँ पर नीचे आ जाएगा ऐसे, x की पावर 5 यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा। ये स्टेप पे आने के बाद जब सारी x वाली टर्म्स x के साथ चली जाए, dx के साथ चली जाए और y वाली टर्म dy के साथ चली जाए, उस स्टेप के बाद आपको करना है इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करने के लिए यहां पर आप पहले इसको ऊपर ले जाओ ताकि आप पावर रूल अप्लाई कर सको। पावर रूल लगाएंगे तो एक पावर इसकी ऐड होगी, ऐड होने का मतलब है -4 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय -4, और ऐसे यहां पर हो जाएगा प्लस सी। आप इसको इधर ले आओ, तो अब यहां से हम इसको इस साइड लेकर आते हैं तो ये बना वाई की पावर -4/-4। यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इक्वल्स टू में सी। अब यहाँ से
ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो इस माइनस को तो बेशक बाहर ही छोड़ दो और एलसीएम ले लो। ये वाई की पावर माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फोर इक्वल्स टू में सी, इसको उधर लेके जाएंगे तो वाई की पावर माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फोर इक्वल्स टू में माइनस फोर सी, ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पर सी के साथ जब भी कोई कांस्टेंट आएगा, चाहे वो माइनस में आए, प्लस में आए, मल्टीप्लाई में आए, डिवाइड में आए, तो आपको क्या कर देना है, इसको ख़त्म करके एक सी बना देना है, कैपिटल सी। या आप इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, इसको सी वन लिख लो और यहाँ पर जाने के बाद आप इसको लिख दो कैपिटल सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया फर्स्ट पार्ट का। उसके बाद सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पर कहता है कि एक्स इंटू में दिस डी एक्स प्लस वाई इंटू में दिस और डी वाई। तो यहाँ भी अब डी एक्स और डी वाई को आपको सेपरेट करना है, तो एक आपके पास उस साइड में होना चाहिए, एक इस साइड में होना चाहिए, तभी सेपरेट कर पाओगे। तो इन दोनों में से किसी एक को हम उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले आए हम। अब इधर लाने के बाद फिर आप जो x वाली टर्म्स है उनको dx के साथ ले जाओ। तो ये वाली x वाली टर्म है, ये तो यहीं रहेगी, यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे यहाँ से ये इधर आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए आप थोड़ा सा मतलब इंटीग्रेशन आपका अगर अच्छा है, कंसेप्ट अगर अच्छा है, तो आप जल्दी इंटीग्रेट समझ जाओगे क्या करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको मिलेगा नहीं। कोई एक आधी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्रिकी होगा, वरना सब में सिंपल इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो 2x आता है, और नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर आ जाए, आपको मिल जाए, तो सीधा लॉग में आंसर हो जाता है। तो यानी इसको मैं अगर 2x कर दूँ, अब इसको 2x करूँगा तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में कर देते हैं, क्योंकि दोनों देखो सेम ही पैटर्न बन रहा है। तो 2 आपको यहाँ भी चाहिए, 2 आपको यहाँ भी चाहिए, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बैलेंस करने के लिए मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट आपका डायरेक्टली हो जाएगा। आ जाएगा 2x, और सॉरी नीचे वाले का डेरिवेटिव एग्जैक्ट है, तो आंसर आ जाएगा इधर से लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर पहली टर्म ये भी लॉग में है, ये वाली भी लॉग में है, तो जो c होगा उसको भी आप लॉग में ले लो। ये कॉन्स्टेंट है, मतलब इसको अपने अकॉर्डिंग आप जैसे मर्जी यूज़ कर लेना, लॉग लगाना है नहीं लगाना है वो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो उसको, क्योंकि रहेगा तो ये फिर भी कांस्टेंट ही। लॉग लगा दिया मैंने तब भी ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्स तो यहाँ है नहीं, वाई यहाँ तो है नहीं, तो ये कांस्टेंट है। तो ये तभी करो आप जब यहाँ भी लॉग हो और यहाँ भी लॉग हो, मतलब सारी टर्म ही लॉग में हो, तो सी को भी लॉग में रखो, क्यों उसको बिरादरी से बाहर निकालना, उसको भी बिरादरी के अंदर ही रखो। उससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप इसको इधर लाओगे लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग सी। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर जब हम इसको इकट्ठा करेंगे इस तरीके से, तो दोनों साइडों से जो लॉग है ना ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में यहां पर तो सीधा सीधा हो रहा है भाई, वाई वाली टर्म इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया, दोनों को इंटीग्रेट कर दो। तो ये बन गया आपके पास 2y, ये आ गया वाई स्क्वायर बाय 2, जैसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस में सी, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसमें साइड वाइड चेंज करनी है कर लेना, ऐसे छोड़ना है ऐसे रख देना। यहाँ पर है ई की पावर वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले आप क्या करो, जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये ई की पावर जो माइनस वाई अपॉन एक्स है ना, इसको ऐसे लिखो ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर एक्स। अब जो ई की पावर एक्स डी एक्स है, इस दोनों को इधर ले जाओ,
ये आ गया, अब इंटीग्रेट कर दो। इसका इंटीग्रेशन ई की पावर वाई रहेगा, इसका ई की पावर एक्स रहेगा प्लस में सी, तो ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स इक्वल्स टू सी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। यहां पर भी आप इसको सीधा इधर ले जाना, इंटीग्रेट कर देना, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। इसको इस साइड लेके जाना पहले, अब इन दोनों टर्म के अंदर वाई है तो इनको आप डी वाई के साथ लेकर आओ, इसको इधर लाओगे तो वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और इधर आ जाएगा आपके पास डी एक्स, इसको इधर ले जाएंगे, इन दोनों को इधर ले आएंगे और ये माइनस है इसको यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करोगे तो ऊपर टू वाई चाहिएगा, तो टू आपके पास है नहीं, टू बना लो, उसको बैलेंस कर दो, यहाँ पर कर दो उसको, इंटीग्रेट नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब इंटीग्रेट कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग वन प्लस वाई स्क्वायर, इसका माइनस टू एक्स प्लस में सी। अब यहां पर आपको यहां लॉग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें लॉग नहीं था, केवल इसी में लॉग था, तो भाई ऐसे छोड़ दो, टू एक्स को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा टू एक्स प्लस लॉग वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी, ये हमारा आंसर बनेगा। इसने जो बुक में आपको आंसर दिया हुआ है उसमें अगर आप इसको पूरे को टू से डिवाइड कर दोगे तो आपके बुक का आंसर बन जाएगा, ये एक्स रह जाएगा, ये वन अपॉइंट टू हो जाएगा, यहाँ से वन अपॉइंट टू सी आएगा और वन अपॉइंट टू सी मिलकर एक कॉन्स्टेंट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे रखते हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई नंबर आपके कटेंगे नहीं, इस बात की टेंशन मत लेना। अब यहां पर वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स के साथ लेके जाना है, मतलब इधर लेके जाना है, यहां पर वाई है इसको इधर लाना है, तो यह आ जाएगा ऐसे वन अपॉन वाई डी वाई, और इसको इधर लाएंगे तो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर भी इसके डेरिवेटिव में टू आएगा तो टू से मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेट कर दो, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टू तो कांस्टेंट है, वन अपॉन वाई का हो जाएगा लॉग वाई, इसका आ जाएगा लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये भी लॉग में, ये भी लॉग में, तो सी को भी आप लॉग में ले लो, यहाँ से खाली लॉग होना चाहिए तभी कैंसिल हो सकता है, तो ये टू को उठाकर आप यहाँ पर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा ऐसे लॉग वाई स्क्वायर, और यहाँ पर इन दोनों को आप इकट्ठा कर दो, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में सी, तो दोनों तरफ से लॉग हो जाएगा खत्म, आंसर आ जाएगा ये। ए कौन सा था हमारा, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, वाई इक्वल्स टू ए रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब यहाँ पर इसने क्या कर रखा है, बुक के आंसर से मैच करोगे तो इसका स्क्वायर रूट कर दो, वाई इक्वल्स टू में इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, ए स्क्वायर रूट ऑफ सी हो गया। अब जो सी का स्क्वायर रूट है उसको उसने ए से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर बात वही है कि यहाँ पर भी आप आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देखो एक्स वाई वाई डैश, वाई डैश का मतलब हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर यहाँ पर जो टर्म्स है ना थोड़ी मिक्स ही हैं, तो इनको आप कैसे कर सकते हो, जो वन प्लस एक्स है इसको तो ठीक है ऐसे ही रहने दो, अगली दोनों में से वाई कॉमन निकाल दो, तो इससे आपके पास क्या बनेगा, जब वन प्लस एक्स को आप कॉमन ले लोगे तो यहां से वन बचेगा, यहां से वाई बचेगा। अब आप एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हो, अगर हम ऐसे रख के चलेंगे तो एक्स और वाई को हम अलग अलग कर ही नहीं पाएंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल हो ही नहीं पाएगा। अब यहां से जो एक्स वाली टर्म वाई वाली टर्म्स उनको तो इधर ले आओ, ये वाई वन प्लस वाई, ये इधर आ जाएगा वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, और डी एक्स इधर आ गया।
अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए डिग्री देखो दोनों की सेम है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो वन प्लस वाई माइनस वन, इंटीग्रेट भी कर देंगे साथ साथ, इसको आप सेपरेट कर ही सकते हो ऐसे, यहां से आप वन प्लस वाई को सेपरेट करो और माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई। इंटीग्रेशन की वही टेक्निक्स आपको यूज करनी है जो आप इंटीग्रेशन में अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है, नया कुछ भी नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं आपको नया कुछ भी नहीं है। यहां से कैंसिल, वन बचेगा, वन का इंटीग्रेशन वाई, इसका आ जाएगा लॉग वन प्लस वाई, इसका आ गया लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है जी। अब ये आपका जो आंसर है इसमें बस ऐसे ही छोड़ा हुआ है, इस वाले लॉग को उधर लेके चले गए और इकट्ठा कर दिया है, इस वाले लॉग को ये आ गया लॉग एक्स प्लस सी। अब इन दोनों लॉग को आप इकट्ठा कर दोगे तो यह आ जाएगा वन प्लस वाई इंटू में एक्स प्लस सी, ठीक है। यहां पर मोड लगा देना, ब्रैकेट की बजाय मोड लगा देना, क्वेश्चन नंबर फाइव में भी आपको इसको आप इधर लेके जाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, इसको भी उधर ले जाना साथ में, तो ये क्वेश्चन पहले हम कर ही चुके हैं इस टाइप का, ये इधर नीचे आ जाएगा, तो इसके डेरिवेटिव में भी 2x चाहिए, इसके डेरिवेटिव में भी 2 चाहिए, तो 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। पहले भी एक दो क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं, तो इसको आप ट्राई कर लेना। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर आपको लाना है वन प्लस वाई स्क्वायर और वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ए मतलब सी की जगह पर ए लिखा हुआ और कुछ नहीं है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर अभी सारा ये थोड़ा मिक्सअप सा हो रहा है, तो इन दोनों में देखो वाई कॉमन आ जाएगा, वन प्लस एक्स डी एक्स, और इसको उस साइड ले जाओ पहले तो, क्योंकि जब भी आप करोगे तो डी वाई और डी एक्स और डी वाई ये दोनों अलग अलग साइड्स में होने चाहिए, तभी वेरिएबल सेपरेट कर पाओगे, यहां पर अभी दोनों एक ही तरफ है, तो इसको उधर ले जाएंगे माइनस एक्स। अब यहां से जो एक्स वाली टर्म है और ये है और ये, तो वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इधर कर दिया, माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इसको हमने इधर कर दिया। अब इसको आप सेपरेट कर दो, ये वन अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये जो माइनस है इसको अंदर ले जाओ, ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन वाई, और ये माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, इसको भी हमने सेपरेट कर दिया, जैसे यहां सेपरेट किया ऐसे वहां पर भी सेपरेट कर दिया। अब यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स, ये कटने के बाद वन बचेगा, वन का हो जाएगा एक्स, इसका आ जाएगा लॉग वाई, प्लस यहाँ पर वाई बचेगा, वाई का आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय टू प्लस में सी। इस लॉग वाई को इधर ले आओगे तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस में एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय टू प्लस में सी, तो इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, ये हो जाएगा लॉग एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू में वाई स्क्वायर बाय टू प्लस सी, ये आपका आंसर बनेगा। अब यहां पर आपको निकालना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी तक जो हमने पांचों क्वेश्चन करे उनमें हमने क्या निकाला है, उसमें हमने निकाला जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर हो जाएगा जो जो सी आ रहा था, उस सी को जब हम खत्म कर देंगे तो वो पर्टिकुलर बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, dy बाई dx आपको दिया हुआ है माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर, तो इस वाई स्क्वायर को आप इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ y की पावर माइनस टू, इंटीग्रेट करो, इसको भी इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे y की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी।
यहाँ से ये बन जाएगा, इसको नीचे वापस ले आओगे पावर माइनस में ना, इसको नीचे ले आओगे, ये माइनस तो रहेगा रहेगा, ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन वाई प्लस 2x² इक्वल्स टू सी। ये इक्वेशन बनी। अब जनरल सॉल्यूशन होता तो यहीं पर आप छोड़ सकते हो, लेकिन क्योंकि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो इसमें आपको ये चीज़ दे रखी होगी कि y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू 0 है, तो ये आप पुट करो, पुट y इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 0, तो y की जगह 1 पुट किया, ये आएगा माइनस 1 अपॉन 1 और यहाँ पर आ जाएगा 0, तो इससे आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। इस c की वैल्यू जो भी मिलेगी उसको आप यहाँ पर पुट कर दो, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 2x² इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, अब आपका जो आंसर है पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो निकल गया। अगर आपको इसको बुक के आंसर के साथ मैच करना है तो आपको इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ऐसे आ गया, तो y की वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन 2x² प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी आपको इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही बताने हैं। जब ये क्वेश्चन में मतलब मेंशन ये कुछ नहीं कर रहा कि भाई पर्टिकुलर या जनरल है, तो यहाँ पर ये कंडीशंस अगर दे रखी होंगी ना इसने, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप जनरल निकाल के छोड़ दो कि भाई हमारा तो आंसर पूरा हो गया, अगर कंडीशन दे रखी है तो पर्टिकुलर बताना ही बताना है। तो पहली जो इक्वेशन है इसमें 2 इंटू में वाई प्लस 3, और इसको आप उधर लेके जाओ इक्वल्स टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब वाई वाली टर्म इधर है हमारी, सबको एक तरफ इकट्ठा करो, एक्स वाली टर्म्स को इन दोनों को और इसको इधर ले आओ, तो डी एक्स इधर आएगा ऊपर आ जाएगा और एक्स नीचे आ जाएगा। इस 2 को आप यहीं पर ही छोड़ दो, यहाँ पर आ जाएगा वाई अपॉन वाई प्लस 3, इस तरह बन गया। अब यहाँ पर तो इंटीग्रेट जब आप करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसकी डिग्री सेम है तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा बैलेंसिंग करके इस तरीके से, पहले बैलेंसिंग कर लो। तो जो वाई प्लस 3 है ये अलग हो जाएगा। इंटीग्रेशन पे मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस तरह की इंटीग्रेशन तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, इंटीग्रेशन अगर आपने ढंग से किया हुआ है तो, अगर नहीं किया हुआ है तो फिर पहले इंटीग्रेशन कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो, तब डिफरेंशियल इक्वेशन पे आना, बिना उसके फिर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। तो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो पहले इंटीग्रेशन समझो फिर यहाँ पर आओ। इसका आ जाएगा लॉग एक्स, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का हो गया वाई, इसका आ जाएगा माइनस 3 लॉग वाई प्लस 3 प्लस सी। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए कहता है कि अगर वाई 1 इक्वल्स टू माइनस 2, मतलब इसका क्या हुआ कि अगर आप एक्स की जगह पर 1 डालोगे तो वाई की वैल्यू माइनस 2 होगी, ये इसको इस तरह से लिखा होता है, तो इसका मतलब ये रहेगा। तो हमें पुट कर देना है एक्स इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू माइनस 2, तो यहाँ पर पुट करते हैं, देखो 2 लॉग एक्स की जगह क्या करना है आपको, 1 इक्वल्स टू में वाई माइनस 3 लॉग वाई प्लस 3 यानी माइनस 2 प्लस 3 और प्लस में सी। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से ये भी लॉग 1 आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आपको मिल गई 2। अब सी की वैल्यू जो मिलेगी उसको आप यहाँ पर पुट कर देना, तो आपका सॉल्यूशन बनेगा 2 लॉग एक्स वाई माइनस 3 लॉग वाई प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा। अगर आप इसमें, अब इसने जो बुक में जो आपको आंसर दिया गया इसने यहाँ पर लॉग को हटा रखा है, तो आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ोगे, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अपना आंसर छोड़ोगे बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन बुक के आंसर के साथ आपको मैच कैसे करना है, इसको इधर लेकर आते हैं, ये जो y और 2 है इस दोनों में लॉग नहीं है तो इनको आप एक ही तरफ रखना, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों लॉग को इकट्ठा करेंगे, लेकिन इकट्ठा हम तभी कर सकते हैं जब ये 2 और 3 यहाँ पर ना हो, तो इसको आप कहाँ लेकर जाओगे, इसको आप पावर में ले जाओगे,
यहाँ टू है तो टू लाएगा, इधर थ्री है तो थ्री आ जाएगा। अब यहाँ भी लॉग, यहाँ भी लॉग, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया आपने, लॉग एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस थ्री की पावर थ्री इक्वल्स टू वाई प्लस टू। अब यहाँ से लॉग को आप हटाओगे तो लॉग जाएगा राइट हैंड साइड पर, और आपको पता है कि लॉग को जब आप राइट पर लेके जाते हो तो वो ई में कन्वर्ट हो जाता है। और जो यहाँ पर टर्म होती है इसकी पावर में आ जाती है। तो इस तरह से आपको बुक में आंसर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री का होल क्यूब इक्वल्स टू ई की पावर वाई प्लस टू। इसके जो सेकंड पार्ट है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें कहता है कि एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस थ्री वाई, इसके लेफ्ट में क्या है भाई, इसके लेफ्ट में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इक्वेशन है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस थ्री वाई। तो डी वाई इधर है, इसको इधर लाओगे, एक्स की पावर माइनस ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस थ्री वाई। अब ये पावर माइनस में तो उसको ऊपर ले जाओ और इसको इंटीग्रेट कर दो, ई की पावर थ्री वाई का ई की पावर थ्री वाई, और फिर थ्री वाई का आ जाएगा थ्री डिवाइड में, यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। थ्री से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों थ्री खत्म हो जाएंगे, ई की पावर थ्री वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस में थ्री सी। अब ये कॉन्स्टेंट है तो इसको आप ऐसे लिख देना, ई की पावर थ्री वाई इक्वल्स टू में एक्स क्यूब प्लस में कैपिटल सी या ए से डिनोट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वाई जीरो है एक्स जीरो है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ, तो आपको वाई की जगह जीरो पुट करना है, एक्स की जगह जीरो करना है। तो ये हो जाएगा ई की पावर जीरो, ये जीरो, ई की पावर जीरो होता है वन, ए की वैल्यू वन आई है, इसको यहाँ पर पुट करो तो आंसर बनेगा ई की पावर थ्री वाई एक्स क्यूब प्लस वन, ये आपका आंसर आएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है ये भी हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। आई होप आप इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं वीडियो को आप लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि इस तरह के जो वीडियोज़ हैं आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स ऑल ऑफ यू।